बस्तियों में हमारा काम चलता है दिल्ली के सभी जोन में। और हम लोगों का जो पहला मुद्दा जो है बुनियादी सुविधाएं सभी झुग्गी वासियों को मिले, और उसके बाद आवास के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस है, क्योंकि 30 से 35 वर्ष रहने के बाद जो सरकार की इतनी नीति बनी है उस नीति के अनुसार जो है सरकार खड़े नहीं उतरा। तो कांग्रेस की बात नहीं है, कांग्रेस भी आया, बीजेपी भी आया है, आज़ादी के 68 साल बीत चुके हैं। और वो मास्टर प्लान में 1962 में उन्होंने कहा था कि 16.5 लाख मकान गरीब को बना करके दिए जाएंगे, और उसमें मात्र 3.5 लाख को दिए, तो 13.5 लाख तो हमारा बैलेंस बचता है। और पूरी झुग्गियों का पॉपुलेशन आप देखेंगे तो 6 लाख झुग्गी वासी और 7 लाख जो तुम्हारा कच्ची कॉलोनी में रहने वाले हैं, 13 लाख फैमिली है, वो 13 लाख फैमिली को यदि जो दे दिया जाए जो हमारा बैलेंस है, तो आज एक भी दिल्ली में झुग्गी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सब बातों को लेकर के हम झुग्गी वालों को बताते हैं, उन लोगों को सहमति लेकर के संघर्ष का रास्ता तैयार करते हैं, और सरकार की इस नीति के तहत में हम दबाव डालते हैं कि हमें ये वैकल्पिक स्थान जब झुग्गियाँ टूटती है तो हमें देना चाहिए। और इसके लिए जो है हमारे तरफ से न्यायालय भी बहुत तरह का मददगार सिद्ध हुआ है। अभी फिलहाल जो है 8 बस्तियों को जो सरकार द्वारा दिए जाने का आदेश दिया कोर्ट द्वारा, आज तक वो भी 8 बस्ती को पुनर्वास नहीं किया गया। तो ये बहुत दुखद की बात है कि न्यायालय के आदेश होने के बावजूद भी सरकार इस बात को नहीं मानती है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के भी हम सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं, और झुग्गी झोपड़ी एकता मंच जो पिछले 33 वर्ष से जो संघर्ष कर रहे हैं उस संघर्ष से बहुत लोगों का बुनियादी सुविधाएं भी प्राप्त हुआ है, और आवास भी हम लोग बहुत जगह पे लोगों को दिलवाने में कामयाब हुए हैं।